समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है, दूसरी वो जिसे सबसे छुपाता है। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना उचित है। दोस्तों, गलती भूल जाओ पर सबक हमेशा याद रखना। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। गलतियाँ खर्राटे की तरह होती हैं, दूसरे करे तो चुभते हैं, खुद करे तो पता तक नहीं चलता। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। आंख बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, खुली आंखों से देखकर ही समाधान किया जाता है। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, यह वही लोग हैं जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सबको खुश रखना मेढक को तराजू में तौलने जैसा है, एक को रखो तो दूसरा कूद कर बाहर निकल जाता है। तू हंस, तू मुस्कुरा, बस रोना कम कर दे। अगर जिंदा है तो जा, जिंदगी के नाक में दम कर दे। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिशें हजार बार करता है। जिंदगी में बस दो लोग ही असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। किस बात पे अड़े हो वहीं से शुरुआत करो जहाँ पे तुम आज खड़े हो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। शांति की तलाश तो सभी करते हैं, बस समस्या यह है कि शांति से तलाश कोई नहीं करता। गुस्सा माचिस की तरह होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देती है। शांत रहना सीखो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। मीठा सा होता है सफर ये जिंदगी का, बस करवाहट तो किसी से ज़्यादा उम्मीद रखने से होती है। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। वह क्या सफल होगा जो निर्भर हो गैरों पर, मंजिल तो उसे मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, आपकी असली शिक्षा तो आपके व्यवहार से दिखती है। रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की कमियां नहीं गिनाई जाती, बल्कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, बस अपने मस्त स्वभाव में जियो। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कान में नहीं सीधे मन में आग लगाती है। जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। सबक जिंदगी ने सिखाया है मुझे, मेरे अपनों ने ही रुलाया है मुझे। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म भी नहीं होते। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए।